उधर एयर एशिया एयरलाइन दिल्ली से उड़ान भरने के लिए तैयार है। दिल्ली से अपनी पहली उड़ान सेवा एयर एशिया गोवा, बेंगलुरु और गुवाहाटी के लिए शुरू कर रही है। शुरुआत में एयर एशिया दिल्ली से गोवा, बेंगलुरु और गुवाहाटी के लिए उड़ान भरेगी और आम लोग इसे लेकर काफी खुश हैं। ये बहुत ही अच्छी मतलब क्योंकि बहुत अच्छा लगा कि बहुत कम कॉस्ट में हम लोग को मतलब ट्रेवल करने के लिए बस गाइड अच्छी सुविधा मिल रही है। तो इट्स अ गुड सर्विस। ऑब्वियसली लो कॉस्ट में है, लो फेयर में है तो अच्छा लग रहा है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है तो डेफिनेटली गुड परफॉर्मेंस। माना जा रहा है कि इससे कंपटीशन और बढ़ेगा और यात्रियों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। जितना कंपटीशन होगा उतने फेयर्स डाउन जाएंगे। उपभोक्ता के लिए, कंज्यूमर के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा लगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस वादे के साथ एयर एशिया आई थी, कम से कम वो सच होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर आप फेयर चार्ट देखें तो बाकी एयरलाइंस की तरह एयर एशिया भी चार्ज कर रहा है। दिल्ली से गोवा के लिए आपको 6000 से 7000 रुपए चुकाने होंगे, बेंगलुरु के लिए 6000 से 7000 और गुवाहाटी के लिए 7000 से 8000 रुपए आपको देने होंगे। कोई एशिया ने अभी तक कोई बहुत इम्पैक्ट तो इंडियन मार्केट पे नहीं करा है, पर जितनी सर्विसेज बढ़ती है उससे यात्रियों को सुविधा होती है। पहली लो फेयर एयरलाइन एयर एशिया ने सुर्खियां खूब बटोरी। जहां विमान में सफर करना कुछ लोगों के लिए एक सपने के सच होने जैसा था, वहीं 1900 से लेकर 2000 में हवाई सफर करने का वादा एयर एशिया का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। लेकिन हकीकत दावों से थोड़ी जुदा नजर आ रही है। एक लंबे इंतजार के बाद लो कॉस्ट एयरलाइन एयर एशिया दिल्ली से उड़ान भरने के लिए तैयार है। कई प्रमोशनल ऑफर है, इसके साथ ही लो फेयर का वायदा भी है। लेकिन इस दौड़ में एयर एशिया को खुद को कायम रखना होगा क्योंकि यात्रियों को काफी उम्मीदें हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ पांजले सिंह, फोकस न्यूज़ दिल्ली।